चार साल हो गए इस गांव में आए हुए और उन चार सालों में इसी मिट्टी का हिस्सा हो गई हूँ। शुरू शुरू में तो नया माहौल कुछ अजीब सा लगा, बस अपने घर बार में ही सिमटी रही। फिर गीतू हुई, उस समय पड़ोसी ने बहुत काम आई, बस तभी से शर्म छोड़ के सबके साथ घुल मिल पाई हूँ और तभी से गांव के कामों में हिस्सा भी लेना शुरू किया। मैंने अनपढ़ औरतों को पढ़ाना शुरू किया, ये काम बहुत अच्छा लगा। आज तक 11 औरतों को साक्षर बनाने में मदद की है मैंने। नहीं, अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। देख रही हूँ, शुरुआत से ही कुछ मुश्किलें रही हैं। नहीं, गणित की किताब खोल लो, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। गणित की किताब तो मैं आज फिर भूले। कभी कोई अपनी किताब भूल आती है तो कोई अभ्यास पुस्तिका, और काम बीच में अटक जाता है। ऊपर से वर्णमाला कराने में ही बहुत समय लग जाता है। अब तो मेरा जोश थोड़ा ठंडा पड़ने लगा है, समझ में नहीं आता क्या करूं। प्यारे भाइयों और बहनों सुनो, प्यारे भाइयों और ओ बहनों सुनो, और सभा में आए गुणी जनों, आज लाया निराला एक खेल अजब, नाम IPCL की आला तरकी। ओ इस खेल को अपनी प्यारी नटी जी, इस खेल को अपनी सखी के खातिर बनाया है, क्योंकि अनुदेशिका बनकर उसने काफी मुश्किलों को उठाया है। देखती है वो मुझसे तो कहती यही, जब भी देखती है। अजी मैंने कहा सुनते हैं भाई साहब। हाँ प्यारी सखी, अभी तक तो ईश्वर की कृपा है। आप यूं ही मेरी खिल्ली उड़ाएंगे या मेरी तकलीफ पे भी जी लावेंगे। ओ नटी की सखी, ओ तेरी तकलीफ मेरे जी को लगी, तेरे रोने की कोई जरूरत नहीं, खेल IPCL का है तेरा इलाज, तेरे अनुदेशिका के काम को प्यारी ये बनाएगा बहुत आसान, तू समझ ले इसे फिर तो बन जाएगी मेरी प्यारी सखी अनुदेशिका विद्वान, तू समझ ले। अजी ओ नट जी, मेरे प्यारे पति जी, लीजिए ये है इनकी प्यारी सखी जी, यानी मेरी प्यारी नटी जी। ओहो, तो आप यूं ही मुंह चला रहे हैं, इतना भी नहीं है ध्यान? सखी बेचारी रो रो है बेहाल, आपको कुछ भी नहीं है ख्याल? जी मैंने तो इन्हें बताया कि IPCL यानी इम्प्रूव्ड पेस एंड कंटेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की बेहतर गति और विषय वस्तु। अजी काम डायलॉग बाजी से नहीं चलेगा जब तक आंखों को कुछ ठोस नहीं दिखेगा। तो ले सखी IPCL की ये किताबें 3, और लाएंगी चैन तेरा वापस जो तेरे पढ़ने वालों ने लिया छीन।
वो ठीक है जब आ गई ये तीन किताब तो मिल गया तेरी समस्याओं का भी जवाब। अब मेरा क्या है काम, चलो मुझे भी बहुत है काम। जरा ये बतलाओ, किताबें थी पहले भी तीन, किताबें ये अब भी तीन, तो इनमें फर्क है क्या, जरा ये समझाओ। जो सवाल पूछा मिलेगा उसका तुम्हें जवाब, चले उन्हीं के पास जिन्होंने लिखी ये किताब। ये तीन किताबें पिछली किताबों से फर्क कैसे? असल में पहले जो दो तीन किताबें थीं, वो अक्सर विषय से जुड़ी होती थी, यानी पढ़ने के लिए एक, तो लिखने के लिए दूसरी, और कभी कभी गिनती के लिए तीसरी, और वे सारी किताबें शिक्षार्थी को रोज लानी होती थी। और ये IPCL वाली किताबें? जी, इनको एकीकृत किया हुआ है, यानी एक ही किताब में पढ़ने का पाठ, लिखने का अभ्यास, सवाल, गिनती, सभी कुछ, और फिर इन्हें स्तर के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। एकीकृत होने के कारण किसी एक समय में शिक्षार्थी को कक्षा में एक ही किताब लानी होती है। IPCL के तहत बनी जो तीन किताब, वो अब तक की समस्याओं का है खरा जवाब। वो हर किताब अपने में है गागर में सागर, वो अगली किताब का पिछली से है ऊंचा स्तर। एक में सब कुछ, ये दिखाइए ना, आपने ये किया किस तरह? जरूर जरूर, ये देखिए, सबसे पहले ये चित्र, चित्रों से संबंधित ये शब्द, ये लिपि संकेत, और ये नए पुराने लिपि संकेतों से बने शब्द, और अब देखिए, ये है गिनती, ये पढ़ने का अभ्यास, और ये लिखने का। इन तीनों किताबों में से आप किसी को उठाकर भी देख लीजिए, आपको यही क्रम मिलेगा। इन किताबों में पढ़ने वालों की, इन किताबों में पढ़ने वालों की रुचि फिर हर किताब में तीन, और तीनों किताबों में कुल मिला के 9 जांच पत्र हैं। ये देखिए, ये इस किताब का पहला जांच पत्र है, और ये है दूसरा, और ये है तीसरा जांच पत्र। नवे जांच पत्र यानी T9 के आधार पर ही शिक्षार्थी को साक्षर माना जाता है। जांच पत्र क्यों? इनको हल करने से पढ़ने वाले को खुद अपनी तरक्की के बारे में जानकर खुशी होती है, साथ ही छात्र और अनुदेशक दोनों को ये मालूम हो जाता है कि क्या चीजें छात्र को समझ नहीं आई। ओ शिक्षार्थी में आत्मविश्वास जगाए सरल विधि से जांच, ओ हर किताब के खत्म होने पर उत्साहित करे प्रमाण पत्र। और ये है प्रमाण पत्र, ये सफलता पूर्वक पूरी किताब खत्म होने पर ही दिया जाता है। इसे पाकर शिक्षार्थी को अपने ऊपर गर्व तो होता ही है। इसके अलावा इस प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर शिक्षार्थी आगे की पढ़ाई कहीं दूसरी जगह जाकर भी पूरी कर सकता है। वो अनुदेशक ये ध्यान में रखे, शिक्षार्थी की रुचि बनाए, वो पिछले अनुभव और खोजों से बनाए IPCL। तुम्हारी बात अब समझ में आई, नई विधि क्यों है बेहतर, पढ़ाई दिखलाई। नई विधि क्या है ये तो समझ में आया, पर क्यों है ये बेहतर, ये कहां बतलाया? चल आ, मैं तुझे बताती, इसका एक बड़ा फायदा तुझे समझाती।
इस विधि से अक्सर 200 घंटे में पूरी पढ़ाई हो जाती। अरे ये तो गजब की बात बताई, पर इसमें कितनी है सच्चाई? ओ प्राण प्यारी मेरे मन में आया विचार, प्राण प्यारी मेरे मन में। ओ आया विचार, उससे कक्षा में इसकी होगा सुधार, बहन गीता की कक्षा में इसे ले जाए, अपनी आंखों से देखे जो गीता पढ़ाए अपनी। ये है हमारी पहली किताब, निकालो सर। अब इसमें पहला पाठ खोलो, ये दूसरे पन्ने पे। गीता ये वाला? हाँ ये वाला, ये जिसमें मकान बना है ना, ये सब निकालो। निकाल लिया सबने? निकाला ताई? निकाल लिया। और मौसी? अच्छा भाई देखो, अब ये तो हम सब जानते हैं कि मकान हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। आखिर हर किसी को अपने सर के ऊपर छत तो चाहिए ना, और फिर जैसा चाहो वैसा मकान बना लो। क्यों चंपा भाभी? अरे मकान ही तो बना रही हूँ, कोई जुलम थोड़े। इन सबों के तो पुश्तैनी मकान है। अरे हम सबसे किस्मत वाली हो, हमारे सबके तो पुश्तैनी मकान है, पुराने तरीके के बने हुए। तुम तो सही किस्म का मकान बना सकती हो। सही किस्म का मतलब? अरे चमकदार फर्श, वो क्या कहती हैं उसे, टेलें लगी होनी चाहिए। अरे नहीं ताई, सही किस्म के मकान का मतलब है सेहतमंद मकान, यानी कि साफ सुथरा मकान। अच्छा चल ये बता, सेहतमंद और साफ सुथरे मकान के लिए क्या होना चाहिए? मजबूत छत, नहीं तो बारिश का पानी ना टपकेगा। और शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां, जिससे खूब सारी हवा और रोशनी आ सके। ए लो, इसे खिड़कियों की पड़ी है। अरे शीशे की खिड़कियों के लिए पैसा किसके पास धरा है? शीशे की ना सही, लेकिन बड़ी खिड़कियां तो चाहिए ना खुली हवा के लिए। और क्या चाहिए? मजबूत सब दरवाजा। हाँ अच्छा मौसी बता और क्या? और साफ सुथरी रसोई होनी चाहिए, जिसमें पानी भरकर किचन ना हो। तो ये तो हुआ हमारा सही किस्म का मकान। क्यों जी, ये पढ़ा क्यों नहीं रही, इधर इधर की बातें क्यों है बना रही? ऐसी चर्चा भी पढ़ाई का पक्ष है, शिक्षा बनेगी जीवन से सार्थक, गर अनुदेशक इसमें दक्ष हैं। पढ़ा लिखा दे अक्षर ज्ञान, यही नहीं शिक्षक का काम, बातचीत और चर्चा से भी शिक्षा सीखा बढ़ता ज्ञान। अब हम मकान शब्द पढ़ना सीखेंगे। ये देखो मकान शब्द मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, अ की मात्रा और ये न, म क आ न। अब मेरे साथ बोलो, म क आ न। तो देखा, अगर शब्द से हो पहचान तो अक्षर सीखना कितना है आसान। इन्हीं मात्रा अक्षर को उलट पुलट बन जाएंगे कई और शब्द। जरा देखने तो दो। ये है आ की मात्रा, ये जो डंडा है ना, ये है आ की मात्रा। ये जिस भी अक्षर के साथ लगेगा उसमें से आवाज आएगी आ। डंडा किसी पे भी पड़े आ तो निकलेगा ही। अच्छा बताओ, ये क्या बना? आ। आ कैसे? देख तो सही, ये म के साथ लगा है आ, यानी कि मां। अब क्या बना? मां। ये क्या बना? नाम। तो ये बता ताई कि ये क्या है? क आ न, कान। कान आई समझ में? कान। अच्छा मौसी ये बता, तू बताइए क्या है? मन। ठीक, मन कम काम काका नम नमक मकान मामा। भाई वाह, अरे एक ही दिन में सीख कर शब्द इतने सारे, अरे फूली न
नहीं समाएंगी ये सभी खुशी के मारे। अरे मैं तो सोच भी ना सकूं थी कि मैं इतनी जल्दी इतना पढ़ जाऊंगी, मुझे तो गिनती भी आ गई। अब पढ़ाई तो हम लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन आज हम एक नई चीज शुरू करेंगे और वो है लिखाई। अरे ताई, आज हम अक्षर नहीं लिखेंगे, आज हम डिजाइन बनाएंगे, और वो भी उन नमूनों के जो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखो, जैसे ये एक गोला है और ये आधी चूड़ी और ये उसी आधी चूड़ी का दूसरा टुकड़ा, और जैसे ये डंडा है, अब इसी के डिजाइन बनाएंगे। चलो शुरू कर। ये तो बनाते रहते हैं ना घरों में भी, तो कितना बनाते। ओ पहले अक्षर नए सीखो फिर पढ़वाओ पूरा पाठ, ओ बार बार अभ्यास कराओ पढ़ना लिखना गिनती क्या हुई है बात? गीता बैठी है चुपचाप। पढ़ चुके ये तीन पाठ, इसलिए रहे अपने को जांच। याद नहीं, हर किताब में तीन जांच पत्र हैं। पढ़ने वालों के हिसाब से सीखने की गति तय की जाए, उनकी प्रगति को समय समय पर जांच पत्र से जांचा जाए। मौसी तू ना करे जांच पत्र। मौसी ना करेगी आज जांच पत्र। क्यों मौसी क्यों ना करेगी, हम सब तो कर रही हैं। अरे चंपा भाभी, तू तो आई भी थी ना सब क्लास में, और मौसी तो बीच में चार दिन आई भी ना। जब वो अपनी छुट्टी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो वो भी कर लेगी जांच पत्र। क्यों नहीं गीता, जो सही कह रही है। बिल्कुल, मौसी को और अभ्यास की जरूरत है, समय आने पर वो भी अपना जांच पत्र कर लेगी। सुनो लगा कर कान ध्यान से, सुनो लगा कर कान ध्यान से, IPCL नायाब उपाय। जिन बातों को ध्यान में रखना उन्हें जरा दोहराया जाए। सबसे पहले विषय पे चर्चा, सबसे पहले विषय पे चर्चा पढ़ने वालों से करवा। सारे अक्षर भी सीख लिए। अक्षर नहीं, कितने सारे शब्द भी तो आ गए हमको। अरे सिर्फ शब्द थोड़ा ही, वाक्य बनाने भी तो आ गए, और हमें 50 तक गिनती भी तो आ गई। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे अपना नाम लिखना आ गया, अब कहीं अंगूठा छापना नहीं पड़ेगा। और ये नहीं बता रही कि पढ़ाई के साथ साथ दीन दुनिया की कितनी बातें सीख ली। हाँ, अब देखो ये तुम्हारे प्रमाण पत्र मैंने भर दिए हैं,
अच्छा, अब ये तो मेरा वाला, सबके हो गए पूरे। गीता दीदी, आज प्रमाण पत्र मिलने की खुशी में तुमको हम सब मिठाई खिलाएंगे। अरे तुम भी खा लो। ना ना, मेरा तो भरा था आज। अरे मेरा भरा था, मुझे दिलवा दे अपने हिस्से का। आज लगता है मुझको सब ही आसान, आज लगता है मुझको। आज लगता है मुझको सब ही आसान, IPCL के गुणों को जान। मुश्किल सारी ही अपनी मिटाऊंगी मैं, अब तो IPCL से पढ़ाऊंगी मैं। आज लगता है मुझको सब ही आसान, आज लगता है मुझको। आज लगता है मुझको सब ही आसान, IPCL के गुणों को जान। मुश्किल सारी ही अपनी मिटा।